हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके मलिक। मैं आज एक जो आइटम जो अमेजन से लाया हूं, ये एक जो हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ऑडियोग्राफी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। माइक हम एक माइक लाए हैं जो बोया का वायरलेस माइक है, जो न्यूली लॉन्च हुआ है, तो इसको मैं आज मंगाया हूँ। ये मेरा ड्रीम माइक था, ये वायरलेस माइक है। इसका मॉडल हुआ है आपका BYXM6S2। ये जो माइक है देखिए आपका बोया, ठीक है, ये होलोग्राम, इसका जो ओरिजिनल जो होता है होलोग्राम लगा हुआ है बोया का। ये जो पैकिंग है, मुझे जो मोबाइल का जो पैकिंग जैसे लग रहा है, बहुत छोटा पैकिंग है। मैं सोच रहा था कि बहुत बड़ा पैकिंग होगा, लेकिन बहुत छोटा पैकिंग है। इसमें क्या लिखा हुआ है, बोया का जो लोगो है इसमें है, यहाँ दिख रहे हैं अभी, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये बोया का लोगो है और अल्ट्रा कम्पैक्ट 2.4 GHz का ये डुअल चैनल वाला वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम BYXM6-S2 इसका मॉडल है। और इसको हम आज से खोलेंगे, और पीछे दिया गया है 2.4 GHz QLED दिया गया है, और हेडफोन लगाने के लिए सिस्टम बहुत बड़ा बढ़िया सिस्टम है इसमें। तो मैं जो वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, मैं टेलीफिल्म वगैरह जो शूटिंग कर रहा हूँ, इसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं ढूंढ रहा था, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि मैं रोड माइक ले लूँ, लेकिन रोड माइक मेरे लिए बहुत महंगा साबित हुआ। ये करीबन 32-34,000 जो आपका वायरलेस माइक जो होता है टू चैनल वाला, लेकिन मैं बोया जो माइक लिया हूँ ये मुझे 16,000 या 17,000 में EMI में लिया हूँ इसको। तो ये देखिए, इसमें तो फ्रंट वाला ये जो तीन नो दिया गया है TX, ठीक है, और ये हो गया RX, ये रिसीवर है, ये दो है माइक है, ठीक है, और इसमें लगा हुआ है। और ये सबसे जो बड़ी बात होता है इसमें, अब यहाँ देखिए 100 मीटर तक का ये रेंज, 100, यहाँ देखिए मैं थोड़ा जूम करके यहाँ दिखाता हूँ आपको। और ये जो बैटरी दिया गया है, आप यहाँ देख रहे हैं बैटरी जो दिया गया है 7 आवर प्ले टाइम, माने 7 आवर हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात होता है, क्योंकि हम जब वीडियोग्राफी करते हैं कभी कभी क्या होता है 8-10 घंटे भी लग जाता है। ये 7 आवर मतलब ये बहुत तो अच्छा टाइम दिया गया है इसमें। लेकिन हम जो ये नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि 100 मीटर में कैसे इसका रिसीव करता है, कैसे ऑडियो क्वालिटी कैसे रहता है। और इसमें देखिए टाइप सी का जो चार्जिंग पार्ट दिया गया है, लेकिन इसमें चार्जर नहीं है, हम जो मोबाइल चार्जर में इसको हम चार्ज कर सकते हैं। ये जो पैकिंग बहुत बढ़िया पैकिंग है, एक पॉलिथीन पैकिंग में आया था, तो इसलिए हम इसको देखिए हम अभी खोल रहे हैं। आपके थोड़ा टाइट हो गया है, मैं इसको सॉरी। यहाँ देखिए, यहाँ जो दो माइक है, जो एक रिसीवर है ये इसमें है, ठीक है, और ये जो वायर वगैरह, और इसमें एक मैनुअल है, एक मैनुअल है जो हम इसको हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, जो आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ देखिए अल्ट्रा कम्फर्ट, ये सारा ये इसको हम बाद में यूज करेंगे, स्टिकर वगैरह दिया गया है, हम यहाँ लगाएंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, इसका इंस्ट्रक्शन कैसे हम इसको यूज करेंगे ये दिया गया है। और यहाँ देखिए ये जो दिया गया है हमारा जो बोया का तीन आइटम है इसमें। ये जो पैकिंग है बहुत सॉलिड पैकिंग दिया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है जो पैकिंग है, मोबाइल जैसा पैकिंग और हाई प्रोफाइल पैकिंग लग रहा है। इसका हम थोड़ा खोल लेंगे, यहाँ देखिए पूरा जैसे पूरा सजा के रखा हुआ है TX और ये RX, एक रिसीवर ये दो माइक है। इसको अगर हम खोल लेंगे देखिए, ये जैसे बहुत छोटा, देखिए अगर हम हाथ में रखेंगे तो कैसे, अगर हम इसको मोबाइल में लगा लेंगे और दो हमारा जो डायलॉग जो बोलेंगे जो बात करेंगे इसमें ये लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम निकाल देते हैं पहले। आज हम इसको सिर्फ अनबॉक्सिंग किए हैं, लेकिन हम कल आउटडोर शूटिंग करेंगे और देखेंगे इसका जो हमारा कैसे ये रेस्पॉन्ड करता है, किस कैसे ये आपका टेस्ट करेंगे। लेकिन आज थोड़ा मैं आपको दिखा दिया हूँ कैसे हमारा जो तीनों, यहाँ देखिए ये देखिए पूरा कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका जो लुक है बहुत माने बढ़िया लुक है, बहुत बढ़िया लुक है। मुझे तो बहुत कॉम्पैक्ट साइज है, बहुत छोटा साइज है, अगर आप एक हाथ में रखेंगे तो ये तीनों आ जाता है, ठीक है। देखिए ये एक हाथ में पूरा का पूरा ये तीनों आ जाता है, ठीक है। तो
ये देखिए, इसको अगर हम ऑन करेंगे, इसको बाद में ऑन करेंगे, लेकिन थोड़ा हम इसको खोल लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए ये बहुत बढ़िया पाउच एक दिया गया है हमारा जो कैरी करने के लिए, माइक वगैरह कैरी करने के लिए ये पाउच दिया गया है। ये जो पाउच है, ये पाउच के अंदर मुझे मिला है, एक मिला है जो 3.5 और 3.5 दोनों तरफ में, एक आपका जो रिसीवर है, जो RX रिसीवर है, ये रिसीवर के अंदर ये जैसे लगा हुआ है, दो है इसमें, एक है यहाँ लग जाएगा रिसीवर के ऊपर लग जाएगा, और एक आपका जो कैमरे के अंदर लग जाएगा, DSLR या कुछ भी आप कैमरे यूज कर रहे हैं इसमें लगेगा, और एक लग जाएगा ये रिसीवर के ऊपर, और ये रहेगा आपका कैमरे के पास, एक रिसीवर है। ये मिला है एक जो माइक, कलर माइक जो होता है, अगर ये जो माइक है, यहाँ देखिए लगा हुआ है ऑलरेडी, मैं लगा के रखा हुआ है, ये है कि है आपका माइक है, ये माइक आप इसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अगर आप इसको नहीं लगाएं, ये जो कलर माइक है इसको अगर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो आपका यूज कर सकते हैं कलर में लगा के, लेकिन अगर चाहें तो ये जो है कलर माइक इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये जो पॉइंट दिया गया है इसका ऐसे यूज कर सकते हैं, और ये पॉकेट में आप रख सकते हैं, और इसको आप क्या करेंगे, इसको आप रखेंगे कलर के ऊपर या नेक के पास रखेंगे ये आपका रिकॉर्डिंग करने के लिए। और एक दिया गया है, अगर आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो ये जो विंडशील्ड दिया गया है, ये ऐसे एक था आपका लगाने के लिए, यहाँ जैसे ये पॉइंट दिया गया है, ये विंडशील्ड जो लगाने के लिए, अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो इसको आप माइक के साथ इसको आप कनेक्ट कर देंगे, लगा लेंगे। और दो कलर माइक दिया गया है, और एक तो लगा हुआ है आपका जो यहाँ देखिए मैं लगा के रखा हुआ, और दूसरा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इसमें विंडशील्ड लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं, और ये आपका ये माइक में लग जाएगा। यहाँ हम अगर खोल लेंगे, इसको अगर निकल लेंगे तो हम डायरेक्ट इसको जैसे यहाँ जैसे लगा हुआ है ऐसे इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये जो दो क्लिप है कलर माइक लगाने के लिए, लेवलियर जो माइक होता है, लेवलियर माइक जो होता है, हम इसको लगाने के लिए दो क्लिप दिया गया, दो माइक के लिए, और जो तीनों दिया गया हमारा, जो एक रिसीवर है, यहाँ देखिए एक रिसीवर है और दो माइक है, इसलिए ये तीनों दिया गया है, चार्जिंग पॉइंट दिया गया, सी टाइप का चार्जिंग पॉइंट है, आप जो मोबाइल का जो चार्जर है इसमें से आप चार्ज कर सकते हैं, तो ये विंडशील्ड डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर आप जो लेवलियर माइक के साथ अगर यूज करेंगे तो ये दिया गया है दो, ये विंडशील्ड, ये छोटा वाला विंडशील्ड, ये दो दिया गया है, इसको भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये जो तीनों माइक, दो माइक है और एक रिसीवर है, ये तीनों है, यहाँ देखिए ये कितना कॉम्पैक्ट, एक हाथ में ये आ जाता है, यहाँ देखिए मैं इसको ऑडियो टेस्ट करूंगा, इसका जो रेंज दिया गया है यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 100 मीटर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 100 मीटर, इसलिए हम कल आउटडोर शूटिंग करेंगे, क्योंकि रूम में तो पॉसिबल नहीं है 100 मीटर जो डिस्टेंस कवर करना, हम आउटडोर शूटिंग करेंगे, आउटडोर में आवाज इसको रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे 100 मीटर तक का कैसे ये आवाज क्लियर आता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, हम इसको टेस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रत्नकांत को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसको रिव्यू कल करूंगा, मतलब कल आपका बताऊंगा कैसे ये आपका नॉइज रिडक्शन कैसे आता है, कितना परसेंट नॉइज रिडक्शन करता है, 100 मीटर्स के अंदर कैसे कैसे क्लियर आवाज कैसे आता है, कल मैं बताऊंगा। मैं अभी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं टेस्ट करने के बाद आपका रेकमेंड करूंगा ये माइक आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मैं मेरा जो ये सामान आ जाया है तो मैं कल इसको रिटर्न कर दूंगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो। मैं जो सोचता हूँ, जो बोया है ये ब्रांडेड जो कंपनी है, जो ब्रांडेड है, तो इसलिए मुझे, मैं बहुत सारा इसका जो लेवलियर माइक, जो आपका 20 फुट तक का जो माइक होता है, जो 600-700 से शुरू होकर 1200-1300 तक का जो माइक है, मैं यूज कर चुका हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, लेकिन अभी जो वायरलेस माइक के साथ हम काम करेंगे, देखेंगे ये क्या होता है क्या नहीं। और ये जो माइक है इसको हम कल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे, रिकमेंड करेंगे, कितना परसेंट मैं सेटिस्फाइड हूँ इस माइक को यूज करके, मैं कल बताऊंगा, ये मेरा पर्सनल व्यू होगा, आप जब यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं अभी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कल रिव्यू करने के बाद, टेस्ट करने के बाद आपको बताऊंगा आप इसको खरीदेंगे या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, जय जगन्नाथ, जय हिंद।